लेकिन मैं सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करता हूं जिनको लेकर किसान नाराज है। इन ऑर्डिनेंसेस में कहा गया है कि एपीएमसी मंडीज के बाहर जो एरिया होगा उसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा सेल्स और परचेजेस पर। किसानों का मानना है कि अगर सरकार एपीएमसी मंडी के बाहर खरीदने बेचने को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं होगा, तो इससे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा क्योंकि एपीएमसी मंडीज में सब चीजें रेगुलेटेड हैं, ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में लिया जाता है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन इन मंडीज के बाहर कोई एमएसपी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है किसानों के लिए, कोई ढंग से रेगुलेट करने के लिए नहीं है कि इनको सही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है या किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा मेरा अपना मानना है कि इट्स एक्चुअली इट इज वन कंट्री टू मार्केट्स, है। क्योंकि सरकार एमएसपी और एपीएमसी को नहीं छुआ है। तो लेकिन उसमें प्रावधान यह है कि अगर एपीएमसी के अंदर मंडी के अंदर खरीदेंगे तो उनको जो मंडी टैक्स है वो देना पड़ेगा। और लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी मंडी से बाहर खरीदती है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो जो ट्रेडर है या जो कंपनी है वो चाहेगी कि मैं बाहर विदाउट टैक्स पे करके मैं खरीदूं, एंड ग्रेजुअली पीपल विल मूव आउट ऑफ द मंडीज। और उससे क्या होगा कि मंडीज विल स्टार्ट बिकमिंग रिडंडेंट, और जब मंडी खत्म होगी या मंडी सिस्टम जो है क्लैप्स कर गया, तो ऑब्वियसली जो एमएसपी जो मिलता था किसानों को, जिसकी अश्योरेंस थी, वो भी आस्ते आस्ते उसका भी रेशियो है वो कम होता जाए।